तो अभी अभी मैंने स्पाइक फैमिली का एपिसोड टू देखा एपिसोड टू जैसे स्टार्ट होता है तो इतना अजीब सा फील होता है कि भाई ये औरत कौन है उसके बाद हमको पता लगता है कि हमारे हीरो की दोस्त है जो पहले एपिसोड में दिखाई जा चुकी है दैट क्रेजी कि भाई इसको पहली बार जब देखा तो आई वॉज लाइक भाई ये और कोई है क्या एंड देन हमारा जो हीरो है वो एक वाइफ को ढूंढना स्टार्ट हो जाता है और फिर एंट्री होती है योर की जो कि दिखने में एक नॉर्मल सी इंसान जैसी फील होती है लेकिन एक्चुअल में वो एक एसैसन है एंड ये जो एक था टूस्ट भाई मतलब इसका मुंह देख के ऐसा ही नहीं होता कि ये असैसन है तो जब पता लगा कि ओके okay, ये एक एसेन है तो दैट वॉज वेरी मच क्रेजी कि भाई आई थॉट कि जो हमारे मेन हीरो की जो बेटी है वो भी भोली भाली होगी और जो इसकी वाइफ होगी वो भी भोली भाली होगी लेकिन एक्शन में क्या है कि इसकी जो वाइफ है वो एसेसन है और मतलब भोली भाली तो है लेकिन जो ये काम करती है उसको देख के इसको फील ही नहीं होता कि भाई ये इतनी ज्यादा भोंदू सी है उसके बाद हमारा हीरो hero, हीरोइन मिलते हैं एंड देन बातचीत होती है एंड देन वो अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं एक दूसरे को कि हमारी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम हो रही है इसलिए हमारी हेल्प कर लो और बहुत सारी क्रेजी चीजें होती हैं इस पूरे एपिसोड में मैं पूरा तो नहीं बताऊंगा कि एक्चुअल में क्या हुआ पर दैट वॉज वेरी क्रेजी जो पहला एपिसोड था वो एनिमेट किया था विट स्टूडियो ने और एपिसोड टू एनिमेट किया है वर्क ने सो आई थॉट कि भाई बस विट स्टूडियो वाला अच्छा होगा और क्लोवर वर्क वाला इतना अच्छा नहीं होगा पर अब मेरे को पता लग गया कि क्लोवर वर्क भी अच्छे एनिमेशन करते हैं एंड ये दोनों ही एपिसोड एपिसोड वन और एपिसोड टू दोनों बहुत ज़्यादा क्रेजी थे मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा होगा पर मुझे ये शो देखने में अब मज़ा आ रहा है पहला जो एपिसोड था उसकी स्टोरी थोड़ी स्लो चल रही थी लेकिन एपिसोड टू में वो एक नॉर्मल पेसिंग पे आ गया कि भाई जो एक नॉर्मल पेसिंग होनी चाहिए हम जो एक्सपेक्ट करते हैं इस बार एपिसोड के अंदर हमें जो हमारे हीरो की छोटी बेटी है उसके बारे में इतना देखने को नहीं मिला बिकॉज ये पूरा पूरा एपिसोड जो हमारे हीरो की वाइफ है उसके बारे में था सो so, अन्या को मैंने थोड़ा मिस किया बिकॉज वो बहुत ज्यादा क्यूट सी है और जिस तरीके से एक्ट करती है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा फील होता है उसको देखने में लेकिन ये वाला एपिसोड मेरे को पसंद आया एंड दैट्स रियली अ यूनिक फैमिली कि जो हमारा हीरो है वो एक स्पाई है जो हीरोइन है वो एक असैसन है और जो हमारी एक छोटी बच्ची है उसको टेलीपैथी आती है ये तीनों इतने यूनिक है कि इनको एक साथ देखने में बड़ा मजा सा आता है इस वाले एपिसोड का बेस्ट पार्ट मैं बताता हूँ वो उस वक्त था जब हमारी जो हिरोन उसके ऊपर कुछ खाना फैलने वाला था लेकिन उसने अपने पैरों से उसको रोक दिया और और दैट सीन वाज मच क्रेजी जब हमारा हीरो जो है वो एकदम से एंट्री मारता है पार्टी के अंदर खून से पूरा भरा हुआ सो वो देखने में बहुत मजा आया कि भाई अभी इसका बहाना क्या मारेगा एंड आई थॉट कि भाई वो बोलेगा कि भाई उसका एक्सीडेंट हो गया लेकिन वो फिर बोलना स्टार्ट हो गया कि भाई किसी और का एक्सीडेंट हुआ था सो दैट पार्ट वॉज वेरी मच गुड और अभी जो पूरी स्टोरी उसके देखने में मुझे बहुत ज्यादा मजा सा आ रहा है मुझे बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा है इस शो में जो कुछ भी हो रहा है एंड ओवरऑल यही था पूरा पूरा एपिसोड और इसको देखने में बहुत ज्यादा मजा आया और एपिसोड के आखिर में जो हमारा हीरो है 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 वो वो हीरोइन को प्रपोज कर लेता है। और उसी पे एपिसोड पूरा खत्म हो जाता है। तो वो जो जिस तरीके से ओवर हुआ मैं अभी थर्ड एपिसोड का बहुत बेसब्री से वेट कर रहा हूँ अगले एपिसोड में क्या होगा क्या होने वाला है आगे आगे की स्टोरी क्या रहेगी आई थिंक खैर इतना ही था पूरे एपिसोड का ऑल ओवर जो भी मैंने फील किया वेल अगली जो मेरी वीडियो होगी वो होगी सुकूना वर्सेज गोजो के बारे में तो उसको भी देखना मत भूलना और अब मिलते हैं अगली वीडियो में